फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में कब सोचे थे कि मेरे को यूपीएससी का तैयारी करना है? फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में तब सोचा था जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। इवन कि मेरे दादाजी ने मुझे, मतलब कि पहले उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, ओके, कि तुम्हें आईपीएस आईएएस मतलब यूपीएससी क्रैक करनी है। योर ग्रैंडफादर टोल्ड? यस यस, माय दादाजी। ओके, वो होता है ना एक ब्लड, मतलब कि फाइटर्स के, मतलब कि खून में अगेंस्ट द इनजस्टिस। हाँ, हम मतलब कि कुछ अपने सामने बुरा होता हम देख नहीं पाते। आपके जो ग्रैंडफादर थे जी, जो लाहौर जेल में थे, तो उनके बारे में कुछ बता सकते तो बताइए, कितने दिन तक जेल में थे? वो भगत सिंह के साथ 21 days, मोर देन 21 days थे। इन विच जेल? लाहौर सेंट्रल जेल। लाहौर सेंट्रल? हाँ, मेन लाहौर सेंट्रल जेल। ओके, यस। आई थिंक दैट जेल वाज इन पाकिस्तान। यस, एट दैट टाइम 1929 बिफोर पार्टीशन। या उन्होंने मुझे बोला तुम्हें देश के लिए कुछ बनना है, तुम्हें देश लिए के लिए कुछ करना है, अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए जीना है। ऐसा है, राइट? हमें अपनी खुद के लिए नहीं, हमें इंडिया के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। बिकॉज उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी, मेरे दादाजी ये बोला करते थे, मेरे पापा ने देश को संभाला, अब मैं संभाल रहा हूँ, आगे तुम्हें संभालना है। बट मैं क्या हूँ, मैं वैसी जगह कभी रहा नहीं स्टार्टिंग से, तो मैं उसके बहुत खिलाफ था, अगेंस्ट था मैं उसके। या, या। उसके बाद मुझे एक यहाँ पे ब्रोकर है, हिंदुस्तान प्रॉपर्टीज, हिंदुस्तान ब्रोकर, वो पर मतलब कि पर्सनली मैं बोलूँ अच्छे भी लगे और बुरे भी लगे वो। उन्होंने जो मनमोहित ब्रो, जैसे मैं आपका यूपीएससी सर्कल का कोई बेस्ट फ्रेंड है आपका, उसका नाम बता सकते हैं? सर्कल के बेस्ट फ्रेंड नहीं इतने भाई, यूपीएससी के। हाँ, तो एटलीस्ट एक नाम बताइए। सितंबर से स्टार्ट हुई है कोचिंग। okay. पहले कोचिंग्स बंद हो रखी थी। yeah. आपको ही पता है। yeah. हाँ, उसके बाद स्टार्ट हुई एंड एक ही कोचिंग चल रही थी दृष्टि, वो तो कोई चल नहीं रही थी। अगर तुम, ये भी एक बात है, अगर 10 लाख स्टूडेंट में से 1000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है, तो मेरी नज़र में वो एक 1000 के 1000 टॉपर हैं। हे गाइस, वेलकम टू पापा सॉरी। व्हाट? पापा सॉरी? यस पापा सॉरी, इट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव एंड द टैगलाइन इज डेयर टू से नो टू वन मोर अटेम्प्ट। सो गाइस, टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट गाइस ऑन पापा सॉरी। द गेस्ट नेम इज मनमोहित कंबोज। एंड गाइस, इस पॉडकास्ट में हम लोग इनकी जर्नी कवर करेंगे, यूपीएससी की जर्नी, एंड इनका जो 27 जुलाई 3 एस्पिरेंट का जो डेथ हुआ था उसमें इन, उसके बाद जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ उसमें इनका काफ़ी एक्टिव रोल था, तो उस जर्नी के बारे में इस पॉडकास्ट में हम लोग कवर करेंगे। ब्रो, वेलकम ऑन पापा सॉरी। थैंक यू ब्रो। सो बढ़िया बढ़िया ब्रो, बहुत बढ़िया। तो ब्रो, ये आपका जो टाइटल है कंबोज जी, राइट, क्या मतलब, समझ नहीं पा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम लिसन किया कंबोज के बारे में। कंबोज मेनली ओबीसी कास्ट में आता है। अच्छा, yes. कहाँ पे? पंजाब। पंजाब से? पंजाब, हरियाणा, मतलब कि और भी हैं, सम अदर स्टेट्स आर आल्सो लाइक यूपी आल्सो। अच्छा, यहाँ पे भी कंबोज चलता है। तो सो योर होम टाउन ही? फिरोजपुर। फिरोजपुर, पंजाब। फिरोजपुर, पंजाब। यस। फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में कब सोचे थे कि मेरे को यूपीएससी का तैयारी करना है? फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में तब सोचा था जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। इवन कि मेरे दादाजी ने मुझे, मतलब कि पहले उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, ओके, कि तुम्हें आईपीएस आईएएस मतलब यूपीएससी क्रैक करनी है। योर ग्रैंडफादर टोल्ड? यस यस, माय दादाजी। ओके, मेरे दादाजी ने मुझे समझाया था फर्स्ट टाइम इन 6th standard, जब मैं 6th standard में था, तब मैंने, बिकॉज आई एम फ्रॉम फ्रीडम फाइटर फैमिली। फ्रीडम फाइटर? यस, मेरे पर दादाजी भगत सिंह के साथ जेल में रहे थे 1929 लाहौर सेंट्रल जेल में। क्या बात कर रहे हो ब्रो जी। यस, एंड फ्रॉम, आई एम फ्रॉम फ्रीडम फाइटर फैमिली, एंड मुझे हमारे जो ब्लड, वो होता है ना एक ब्लड, मतलब कि फाइटर्स के, मतलब कि खून में अगेंस्ट द इनजस्टिस। हाँ, हम मतलब कि कुछ अपने सामने बुरा होता हम देख नहीं पाते। सो यू टेल मी, आपके जो ग्रैंडफादर थे जी, जो लाहौर जेल में थे, तो उनके बारे में कुछ बता सकते तो बताइए, कितने दिन तक जेल में थे? वो भगत सिंह के साथ 21 days, मोर देन 21 days थे। इन विच जेल? लाहौर सेंट्रल जेल। लाहौर सेंट्रल? हाँ, मेन लाहौर सेंट्रल जेल। ओके, यस। आई थिंक दैट जेल वाज इन पाकिस्तान। यस, एट दैट टाइम 1929 बिफोर पार्टीशन। या, तो अच्छा, वाह यार, मजा आ गया। तो फ्रीडम फाइटर फैमिली से आप बिलोंग करते हो, राइट? जी। तो कंबोज ब्रो, जैसे आप बता रहे हो कि आपके दादाजी ने बोला कि आईएएस आईपीएस की तैयारी करना है, राइट? तो इन 6th standard? यस, उन्होंने मुझे बोला तुम्हें देश के लिए कुछ बनना है, तुम्हें देश लिए के लिए कुछ करना है, अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए जीना है। ऐसा है, राइट? हमें अपनी खुद के लिए नहीं, हमें इंडिया के लिए जीना है, देश के लिए जीना है।
बिकॉज उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी, मेरे दादाजी ये बोला करते थे, मेरे पापा ने देश को संभाला, अब मैं संभाल रहा हूँ, आगे तुम्हें संभालना है। बस उन्होंने ये बोला था अच्छा इंसान बनी हो, बट मुझे लगा अच्छा इंसान अगर किसी आप किसी सर्विस में नहीं हो तो अगर अच्छे इंसान हो तो आपकी वो नहीं होगी, आप किसी चीज़ को समझा नहीं पाओगे अच्छे से। एक्चुअली अपना ओपिनियन, हाँ पावर होना जरूरी है, तो मुझे अच्छा लगा यही। एंड मेरे पापा ने भी यही चीज़ बोली थी, भी मेरे पापा ने मुझे आइडिया दिया था IAS IPS UPSC का, तो वहीं से मुझे UPSC आया और मेरे दादाजी ने बोला था एक अच्छा इंसान बनना है, तो मैंने सोचा ये भी हो सकता है, और अगर UPSC क्लियर हो गई तो साथ में दादाजी का भी अच्छे इंसान बनेंगे ऑब्वियसली, मतलब कि शुरू से ही संस्कार ही वैसे हैं भी, हम गलत देख नहीं सकते है ना, तो इसीलिए मैंने UPSC ज्वाइन की। जैसे आपने 10th कहाँ से किया था? 10th मैंने अपने पंजाब से किया था, पंजाब से किया, CBSE बोर्ड से। CBSE बोर्ड से, और 12th? 12th भी CBSE बोर्ड से। CBSE बोर्ड, तो 12th में क्या लिया था, साइंस लिया था? नहीं, आर्ट्स लिया था। नाउ व्हाट यू आर डूइंग? मैं अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से, और मैं साथ में UPSC भी कर रहा हूँ फ्रॉम PW ओनली IAS से। ब्रदर जैसे आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं? BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। PSIR से ही कर रहे हो? वाओ। एंड इवन कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी PSIR है। यार यू आर सो डिसाइडेड ऑलरेडी, मतलब कि क्या करना है UPSC, रोड मैप क्लियर है, है ना, क्योंकि व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, क्योंकि बैक्स ऑफ माय स्पिरिट जब आता है UPSC में तो वो क्या ऑप्शन को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है। अगर मेन गोल एक, फोकस एक जगह है, यस मेरा ऑप्शनल ये क्लियर है, मुझे UPSC इस ईयर में टारगेट ईयर मेरा ये है 2026-27 जो भी, और मुझे ग्रेजुएशन भी इसी सब्जेक्ट में करनी है, तो मैं इधर नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट एक ही रोड पे जाऊंगा। मे बी यू हैव पेरेंट गाइडेंस, राइट? यस, पेरेंट गाइडेंस। सो व्हाट योर फादर डू? माय फादर डूइंग मेनली एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि आप UPSC की तैयारी अभी कर रहे हो, तो कॉलेज के साथ आप कैसे मैनेज करते हो? एक्चुअली मैंने जो कॉलेज चूज किया है उसमें मुझे रेगुलर मैं जाता ही नहीं हूँ बेसिकली। अच्छा। रेगुलर इसलिए नहीं जाता, अगर हम UPSC कर रहे हैं तो PS पॉलिटिकल साइंस से मैं BA ऑनर्स कर रहा हूँ, और मेरी UPSC में ऑप्शनल की क्लास भी PSIR चल रही है, सो मैं वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ अपनी ऑप्शनल की क्लास लेता हूँ। स्टेइंग राइट नाउ इन पटेल नगर, पटेल नगर, बट मैं अच्छे से लिंक्ड हूँ ORN से भी। ORN में अप डाउन करते रहते हो डेली? मतलब कि मैं 24 आवर्स में से 12 घंटे तो मैं ORN में रहता हूँ जी। अच्छा जी, तो पटेल नगर ORN सेम हब एरिया। तो ब्रदर जैसे आपने बोला कि तो ऑप्शनल कहाँ से कर रहे हो आप? ऑप्शनल मैं वही PW लिया, सेम कोचिंग PW से कर रहा हूँ, राइट? ब्रदर जैसे अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे 27 जुलाई को जो डेथ हुआ था 3 एस्पिरेंट का, तो वो मतलब उस दिन आप कहाँ थे? एक्चुअली उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा। मुझे बुखार और जुकाम हो रखा था, कोल्ड हो रखा था बहुत ज़्यादा, तो मैं अपने घर पे मतलब कि सो रखा था, बिकॉज मैं रात को स्टडी करनी प्रेफर करता हूँ, और दिन में मैं मोस्ट प्रेफरली सोता हूँ। मैं सुबह 6 बजे से लेके मेरा जो टाइमिंग है वो मतलब कि जस्ट वैसे पूरी बताई नहीं जाती, बट मैं एक लिटल बिट आइडिया देता हूँ, सुबह 6 बजे से लेके 2:30 बजे 3 बजे तक मैं सोता हूँ आराम से, है ना? उसके बाद मेरा डेली रूटीन शुरू होता है, जिसमें मैं दोस्तों फ्रेंड्स के साथ भी जाता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कई बार जाता हूँ, और साथ में अब मेरे कुछ दोस्त फ्रेंड्स भी हैं जो मतलब कि पॉलिटिशियंस से मतलब कि बहुत अच्छी पॉलिटिक्स से बहुत अच्छी जरा जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो उनके साथ बैठ के भी इस चीज़ पे चर्चा होती है, डिबेट होती है भी, हाँ इंडिया को कैसे अच्छा बनाया जाए, हम अपने थ्रू, हम मतलब कि समाज के लिए हम खुद क्या कर सकते हैं। अच्छा, विद UPSC जर्नी हम समाज को क्या दे सकते हैं? वो जो प्रोटेस्ट का मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगा कि वो जो प्रोटेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, इज इट मतलब कि पूरा UPSC एस्पिरेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? मतलब ये तो कहने की बात है, मतलब कि आपने सुना होगा, हाँ भी फेक ID कार्ड्स भी बनते हैं, हाँ कुछ लोग इवन फ्रॉम DU एंड फ्रॉम JNU स्टूडेंट्स यूनियन के कुछ थे, कुछ सेवरल स्टूडेंट यूनियंस थी जो आई फर्स्ट डे, जिस दिन डिटेन हुए थे बच्चे। अच्छा, इवन कि उनमें मेरा खुद का दोस्त 28 जुलाई को, हाँ 28 जुलाई को करोलबाग मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे, हाँ उस दिन डिटेन हुए थे स्टूडेंट्स, और उस दिन हाईजैक करने की भी कोशिश की गई, JNU और DU के स्टूडेंट्स आपस में आके लड़ने लग गए एट प्रोटेस्ट साइड। अच्छा, हाँ लड़ने लग गए, उस टाइम मैं एग्जैक्टली वहीं पे प्रेजेंट था,
तो उसके बाद जो हुआ, मतलब कि हमारे डीसीपी, एडिशनल डीसीपी आए, उन्होंने बातचीत की बच्चों से, मतलब कि हम तो उनकी बात समझ रहे थे, बट क्या जो JNUDU वाले थे वो बोल रहे थे हम आगे आए, फ्रंट फेस हम बने। अच्छा, तो दे आर नॉट अ UPSC aspirant। या क्योंकि प्रोटेस्ट, वी आर UPSC aspirant, क्योंकि प्रोटेस्ट तो UPSC aspirant का डेथ हुआ था, तो UPSC aspirant ही बिल्कुल स्टैंडिंग विद दैट। तो जैसे प्रोटेस्ट, तो मतलब क्यों, मतलब दिक्कत क्या थी कि मतलब कि अगर बाहर से भी लोग आ रहे हैं? दिक्कत इसलिए आ रही थी भी हमें, हम किसी के साथ इंटरलिंक हो ही नहीं पा रहे थे, मतलब कि एक कोई भी एक ओनरशिप बन नहीं पा रही थी, एक कोई लीडर बन नहीं पा रहा था। अच्छा जी, हम मेन थे, मैं अपना नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त थे जैसे राम जी, रवि भैया। जैसे आप 28 जुलाई के बाद जैसे लोग वो हो गया, गैदर फाइट कर रहा था, फाइट हो रही थी DU और JNU से, तो आप लोग फिर UPSC aspirant कैसे आप लोग ने मैनेज किया कि मतलब? हमने ऐसे मैनेज किया, हम सब एक ही स्लोगन बोलने लगे, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अच्छा। अगर आपको करना है तो आप अपना बैनर और पोस्टर नहीं लेके आओगे। अच्छा। आप आओ, हम आपका मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। yeah. आप आओ, अगर आपको इतना ही है तो अपनी पॉलिटिक्स साइड में छोड़ो और आओ, यू डू दिस सब, आओ बैठो, जो हम बोल रहे हैं हमारे साथ कोऑपरेट करो। ये थोड़ी भी प्रोटेस्ट जान गई है हमारे दोस्तों की, इवन की हमारे फ्रेंड्स की, हमारी बहनें की, तो आप कैसे आगे उस चीज पे अपना वो कर सकते हो, बैनर लगा सकते हो? राजनीति मत करो, राजनीति मत करो, अच्छा पॉलिटिक्स मत करो, आप आओ बैठो, आराम से बैठो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। तो ये आपका अप्रोच था आप लोग? यही हमारा अप्रोच था, हम इवन की लास्ट डे तक यही बोल रहे थे, अगर आपको ज्वाइन करना है ना, इवन की मेरे पास भी सेवरल यूनियन से, स्टूडेंट यूनियन से फोन आए थे, रवि भैया राम जी से भी, को भी बहुत फोन आए, तो हमने एक ही चीज बोली, कम, हम आपका मोस्ट वेलकम है, आपका जल्दी आओ आप। बट लोग तो वहाँ पे, आप लोग कुछ सर्कल जैसा बना लिया था कि आप लोग अलाउ नहीं कर रहे थे वो ऐसा कुछ करके था? किनको? मतलब जो आउटसाइडर थे, आउटसाइडर्स में भी आउटसाइडर्स हो गए ना, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ DU JNU वालों की एंड प्लस स्टूडेंट यूनियंस वालों की। स्टूडेंट यूनियंस वालों, अगर कोई XYZ बंदा आएगा, मतलब कि जो आ गया, जैसे यहाँ पे क्या है, ORN के जो हैं लोग जो रह रहे हैं अभी, yes. तो अगर वो आके ये चीज बोलेंगे भी हम इस चीज से एग्री नहीं है, आप हटो, अब मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये जो आपके फ्लैट्स, पीजीस और ये ब्रोकर जो है, इनका जो चल रहा है ना ये सारा, ये स्टूडेंट से ही चल रहा है, पूरा हब इकोनॉमी यहाँ का, बिल्कुल स्टूडेंट, इनका सारी वेल्थ कहाँ से आ रही है? हमसे आ रही है, हम घर से यहाँ पढ़ने आते हैं और हमसे ये चार्ज करते हैं। या। तो मेनली हम इनका वो है, इकोनॉमिक का सोर्स है, सोर्स है, हम इनका मेजर सोर्स है, सोर्स ऑफ लिविंग है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल, एंड दे आर नॉट ट्रीटिंग अस विद, एंड वो हमें ऐसा समझते हैं हम तो जैसे आए और गए। ब्रदर, जैसे आप लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, तो आपने 27 को बताया, 20th को बताया, 29, तो आप डेट वाइज बताइए मुझे कि जैसे आप 28, 29 फिर कैसे मतलब ऑर्गेनाइज हो गया प्रोटेस्ट, मतलब मीडिया कब आई थी आप लोग? मीडिया तो उसी दिन आ गई थी, फर्स्ट डे 27th रात को ये चीज हुई, मीडिया हो गई, मीडिया सुबह में कुछ मीडिया तो आ चुके थे, ऑलरेडी देयर थे, अच्छा वहीं पे ही थे वो, बट कुछ जो रह गए थे वो आते, रोज ही आते थे मीडिया, इवन की ABP एंड आज तक ये सब तो रोज आते थे, डेली आते थे ये, और मीडिया तो इतना ही था, मतलब कि हमारी आधा काम तो मीडिया ने किया है ना, बी ऑनेस्ट, ऑल इंडिया यू शुड नेम देयर राइट कि इफ दे हैव सपोर्टेड अस। प्रोटेस्ट का मतलब कि 3-4 दिन के बाद जो MCD वाले आए और जो पॉलिटिशियन लोग आए, तो वो लोग आप लोग को क्या बोलते थे? हमें तो उन्होंने यही बोला था, बोला तो उन्होंने बहुत कुछ, बट रिटर्न फॉर्म में कुछ नहीं दिया। अच्छा। अगर उन्होंने हमें ये बोला आप उठो, नहीं जैसे वो आई थी आतिशी, मैं आतिशी जी आई तो मैम क्या बोली आप लोग? हम प्रेजेंट में वहीं पे था, मेरे हम बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिलाया भी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप हमें नोट डाउन करवा दीजिए। अच्छा। हमने अपनी प्रॉब्लम्स उनको वन बाय वन नोट डाउन करवाई, और साथ में एक उन्हीं का मैं नेम नहीं लेना चाहूँगा, बिकॉज वो ऐसा हो जाता है ना पॉलिटिक्स, मतलब कि वो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस उनकी खुद का एक पॉलिटिशियन थी जो मतलब कि ORN में बेसमेंट पे लाइब्रेरी दैट टाइम वो रन कर रही थी। सो हमने ये भी क्वेश्चन किया अच्छा कि उनकी भी बंद होनी चाहिए।
बेसमेंट में है भाई, इट हैज टू बी। ये कोई पॉलिटिक्स का माध्यम थोड़ी है भी आप वहाँ चला लोगे। तो वो और भी जो मेजर पर्सनालिटीज आए थे उसके बारे में बताइए, वो लोग क्या क्या बोलते हैं? मेजर पर्सनालिटीज सेम, सबने एक ही चीज़ बोली, हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं भी आपका मांगे पूरी होंगी, आपको जस्टिस मिलेगा। बट अगर वो हमें रिटर्न में देते तो हम अपना, जो हमने 15 तारीख को टेम्परेरी कॉल ऑफ किया प्रोटेस्ट, हम वही चीज़ 5 को कर देते। अच्छा अच्छा, तो ब्रदर जैसे आप लोग एलजी के पास कब गए थे? हम अभी एलजी के पास, हमारा दूसरा ग्रुप गया था पहले जब डेलीगेशन नहीं बना था। फर्स्ट टाइम कब गए थे? फर्स्ट टाइम अभी हमारे जो डेलीगेशन जो बाद में बना है, जो मेन डेलीगेशन बना है, वो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, बस हम जाएंगे 2-3 दिन में जाने वाले। हाँ, इन्फॉर्मेशन है हमारे पास आने की, वही बुलाया, बुला दिया गया, हमारे पास इन्विटेशन है, हम जाएंगे एलजी के पास। हाँ, क्योंकि वो इसको ना मतलब कि लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ से मे बी यहाँ से चल के अगर कहीं और भी जा सकती है कोचिंग हब्स। हाँ, को हाँ, कोचिंग करने की बात। हाँ, बिल्कुल शिफ्ट करने की बात हो रही है। अच्छा, जैसे नरोला एंड दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में शिफ्ट करने की बात हो रही है, तो इसीलिए गवर्नमेंट उसको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो आप किसी को जानते हो जो मतलब एलजी से मिला था जो फर्स्ट टाइम गए थे? हाँ, कौन था? इवन की रवि भैया, ये वैभव हमारे दोस्त थे, हम सब गए थे। हाँ, हमारे साथ डिस्कस हुई थी। वो लोग क्या बोल रहा था कि वो लोग गए थे तो एलजी साहब, उन्होंने बोला था अपनी गैदरिंग करो और मेन एक कमेटी बना के हमें दे दो, और वही चीज हमने भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमसे बोली और हमने वही चीज बोली आगे, हमने कन्वे किया स्टूडेंट्स को। हाँ, कि जब फर्स्ट टाइम आप पंजाब से दिल्ली आए, फर्स्ट टाइम आप पंजाब से दिल्ली आए, तो आप क्या मतलब कि पटेल नगर कैसे आए, मतलब कैसे आपको रूम मिला? सबसे पहले मैं पटेल नगर नहीं गया डायरेक्ट, सबसे पहले मेरे फादर और मैं आए। हाँ, हम NDLS उतरे। ओके, एंड वहाँ से निकले करोलबाग के लिए। ओके, करोलबाग गए और पहले दिन, हाँ, पहले एक घंटे में हमारे साथ धोखा हुआ। क्या बात कर रहे हो ब्रो? जी बताओ बताओ। ऑटो वाले ने बोला यहाँ नहीं वहाँ आप जाओ, हम गए पहले, ऑटो वाले ले गया हमें NDLS से करोलबाग, और फिर बोल रहा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, आपको रूम नहीं मिलेगा, होटल नहीं मिलेगा, तो फिर हमें वहाँ से उठा के फिर पहाड़गंज लेके गया वापिस। जी जी हाँ, और वहाँ भी बोला मेरे जान पहचान क्या वो होटल है, आपको 2000 में दिला दूंगा मैं। अच्छा। तो हमें तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चल यार तू कहीं दिला दे। तो वहाँ से वहाँ पे भी नहीं मिला, वहाँ पे जो रूम थे वो इवन कि 1500-1200 के थे, बट वो ऐसे अच्छे रूम्स थी नहीं थे ना जिसमें हम रह सकें। एक बंदे को अच्छा स्टे भी तो होना चाहिए ना, कि जहाँ मतलब कि बच्चा बंदा अच्छे से रह पाए। इवन कि अगर मैं अकेला होता तो मैं रह लेता डैड के साथ, आई एम विद माई डैड, तो वो चीज़ अच्छी नहीं, वो बैड इंप्रेशन जाता ना, भी पहली बार फादर मेरे लिए आए तो मैं पहली बार ही उनको इतनी मतलब कि घटिया जगह, गंदी जगह पे लेके जाऊं, तो वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, वो एरिया वैसे भी अच्छा नहीं है। या, यू राइट। तो मैंने क्या किया, उसने बोला, मैंने बोला तू हमें वहीं पे दोबारा छोड़। हाँ, तो उसने हमसे पैसे दिए 500 रुपये। अच्छा, मैं भाई 30 रुपये जाने के लगते हैं, 30 रुपये आने के लगते हैं, फिर 30 रुपये टोल लोगे 90 रुपये, तू बैठ जो 200 ले ले यार, तू यार डायरेक्ट ही 500 कर दिए तू भाई, मैं तो भाई दो तुम जाओ। फिर यहाँ पे पैलेस है, एक पैलेस नहीं एक होटल है, उसका नेम है तक्षिण पैलेस। या, आई डोंट नो। वहाँ पे हमने स्टे किया। अच्छा। तो वहाँ पे जो रूम था वो 2300 का था, मतलब कि अच्छा था। या। उसके बाद हमने पीजी सर्च करना स्टार्ट किया पहले। मतलब आप उस होटल में कितने दिन रुके? 2-3 दिन में। 2-3 दिन में। हाँ। उसका पीजी ढूंढा आपने? हाँ, मैंने पीजी ढूंढा। फर्स्टली पहले मुझे रहना था विद माई फैमिली। यस, पहले हम फ्लैट देख रहे थे 3BHK रेंट पे भी, और हम देख रहे थे अगर मतलब कि बाय करना है तो बाय भी कर लेंगे। तो किया करोलबाग में पूरा पीजीज देखा, कोई बोल रहा 15,000-20,000, बट वो 15,000-20,000 के लाइक का रूम नहीं मिल रहा था ओवर रेंट में करोलबाग में। करोलबाग में उसके बाद हमने गए शादीपुर। शादीपुर का तो ऑब्वियसली हमें पता नहीं था ज़्यादा, शादीपुर तो वैसे उससे पहाड़गंज से भी गंदा एरिया। या, यू राइट। भी इतना कंजस्टेड एरिया मैं सरवाइव नहीं कर पाता वहाँ पे। और फिर हम दवार से आए ओआरएन, वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर हमें एक 1R के मिल रहा था शादीपुर में। okay. न्यूली बिल्ड, अभी बिल्ड ही हो रहा था। तो उसने क्या किया, बोला 15,000 रुपये लूँगा रेंट, वो बहुत अच्छा बन रखा था, बस उसमें यही था, उसमें किचन और जो वो था ना वॉशरूम वो अटैच था। अच्छा, तो वो चीज़ गलत थी। वो मैं उस कैसे यार, एक बंदा सामने बना रहा है खाना और सामने है वॉशरूम,
बैकग्राउंड में ओशन, वो कैसे पॉसिबल? सो यू आर फ्रॉम पंजाब, राइट? सो हम ऐसी चीज कभी वो हो नहीं पाते. बट मैं क्या हूँ, मैं वैसी जगह कभी रहा नहीं स्टार्टिंग से, तो मैं उसके बहुत खिलाफ था, अगेंस्ट था मैं उसके. उसके बाद मुझे एक यहाँ पे ब्रोकर है हिंदुस्तान प्रॉपर्टीज, हिंदुस्तान, वो पर मतलब कि पर्सनली मैं बोलूँ अच्छे भी लगे और बुरे भी लगे वो. उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो उन्होंने फुलफिल ही नहीं किया है. मैंने उन्होंने बोला था आपकी सिक्योरिटी फुली रिफंड होगी, वो नहीं हुई. बट क्या करने को, हम अभी भी कॉल लगा के अपनी सिक्योरिटी ले सकते हैं वापस, बट क्यों नहीं कर रहे भी? हम जो बात चली गई वो चली गई. अब हमारे पास जैसे पावर है, स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, तो हम जाके उनकी बाहर बैठ जाएंगे भी हमारी सिक्योरिटी वापस दो. इवन कि हमने चार पांच स्टूडेंट्स, हमें यहाँ हम चाय पीते हैं ना रात को, चार पांच लड़कियाँ हमारे पास आके बोली भैया हमारी सिक्योरिटी वापस करा दो, हमारे एक फ़ोन पे उनकी सिक्योरिटी वापस हुई है ना. इवन कि मेरे नहीं, मेरा दोस्त है कौशिक, मैं हम सब थे, कौशिक ने कॉल किया, सिवेश कौशिक, उसके कहने पे वो बंदे ने तुरंत उसकी सिक्योरिटी वापस डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में. ये प्रोटेस्ट के बाद की बात बता, बिल्कुल ऐसा हो गया. अभी हम फ्रंट फेस बन गए स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स के अभी. हाँ अच्छा, हम फ्रंट फेस बन गए स्टूडेंट्स के, ऐसा है. और वही बात चल रही थी पीजीस की, और मुझे उन्होंने एक पीजी दिखाया 18,000 रुपये बोल रहे, मैंने नेगोशिएट करके 15,000 में लिया. अच्छा था, मतलब लेने लायक था, एवरेज. उसमें दो दो हम पहले जो मेरा सबसे पहले जो मेरा दोस्त बना, शेयरिंग था, डबल शेयरिंग, जो सबसे पहले मेरा दोस्त बना, मैं उसे दोस्त नहीं मानता, मैं उसे भाई मानता हूँ पहली बार. वो अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ फ्लैट में, 3 BHK फ्लैट, वो वहाँ पे रह रहा है. एंड वो मंथन, उसका नेम है, राजस्थान से है, मंथन सोया. तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को, उसने मुझे वे ऑफ टॉकिंग सिखाया भी, ऐसे नहीं ऐसे बात करनी है. हाँ. ये नहीं ये करना है. उसका मेरी लाइफ में, यूपीएससी जर्नी में बहुत बड़ा रोल है. क्या नाम बताए? मंथन सोया. अच्छा अच्छा, कहाँ का है? कोटा. कोटा का है, ओके. यस, बढ़िया. हिज फादर इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS है उसके फादर. अच्छा, फादर. यस, तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब बहुत अच्छी तरह भाइयों की तरह रखा. या तो आप पीजी में अभी कहाँ रहते हो? पीजी में रहते? नहीं नहीं, अभी तो हम फ्लैट में रह रहे हैं, पटेल नगर में. पटेल नगर 3 BHK फ्लैट है. हम फोर दोस्त हैं, चार दोस्त हैं, चार लोग रहते हैं. हाँ, 3 फुली फर्निश्ड है. अच्छा, वेल. रेंट बताओ उसका? रेंट 36,000. अकॉर्डिंग टू पटेल नगर रेंट बहुत सही है. अकॉर्डिंग टू पटेल नगर है ना, ओवरएंड में तो नहीं मिलेगा 36 में. ओवरएंड में मैंने पूछा 78. हां वही तो कह रहा हूं, 3 BHK फुली फर्निश्ड 78 या 60 प्लस है यार. एंड मेरे दोस्त रह रहे हैं अभी ओवरएंड में ही. हाँ. उनका रेंट है 56,000, 2 BHK है, एंड वो 12 लोग रह रहे हैं. अच्छा अच्छा, अब इसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि 12 लोग रह रहे हो, हाउ दे आर डूइंग मैनेज? कैसे कर रहे हैं? वही मैनेज वो ऐसे करते हैं, एक बंदा अगर कोचिंग जा रहा है ना, तो उस टाइम दूसरा पड़ेगा, फिर वो दोनों बाहर चले जाएंगे, फिर दूसरे बनेंगे. नहीं, लाइब्रेरी मोस्ट फैमिली क्या होता है, अगर आप खुद का फ्लैट हो ना, लाइब्रेरी ज्वाइन कोई नहीं करता. अच्छा, जैसे हम हम है चार दोस्त, हम लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करते. इवन कि हमारे पास एक सेपरेट रूम है अपना खुद का, मतलब कि अपना ये स्टूडियो जितना होगा बड़ा रूम, इसमें एक एसी लग रखा है, आपके टेबल है, अलमीरा है, चेयर है, और है फोर्थ फ्लोर पे. इवन की अच्छा, बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पे है, मतलब कि वो अच्छी, मुझे पर्सनली अपने होम जैसी फीलिंग आती है वहाँ. EGT वेस्ट पटेल नगर, साउथ पटेल नगर, साउथ पटेल नगर में, या पटेल नगर में तो नीलेश का डेथ हुआ. हाँ, मैं वही उसकी बात पे आ रहा था. हाँ. नीलेश वन ऑफ माई फ्रेंड. यस, हमारी बातचीत 2-4 बार हुई है चाय की टपरी पे, चाय की टपरी साउथ पटेल नगर नगोरी के पास. हम 4-5 बार बात किया हमने. यू प्लीज टॉक अबाउट हिज पर्सनालिटी. है? मैं अब क्या ही बोलूं, मतलब कि जब मेरे तक वो उसकी इन्फॉर्मेशन आई. हाँ. बी नीलेश नो मोर एक्सपायर हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट, तो मुझे लगा नहीं यार, यू नॉट बिलीव डाउन. हाँ, मुझे मतलब कि पर्सनली लगा यार, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? इतना अच्छा इंसान, मतलब कि उसका वे ऑफ टॉकिंग इतना प्यारा भाई, इतना ही प्यारा. yeah. इवन कि मैं खुद उसका फैन हो चुका था. है? वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा था उसका, है ना, बहुत अच्छा. सुसाइड नोट मिला था अंजलि, अंजलि. yeah. हाँ, उसके बारे में भी बहुत र्यूमर फैलाया गया, बट एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू अवर थिंकिंग, अकॉर्डिंग टू अवर इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन, हमें ऐसा चीज लगती है भी उसके पीछे भी मे हाउस ब्रोकर्स का ही है. यस, बिकॉज अगर मैं हूँ,
मैं सुसाइड कर रहा हूँ ड्यू टू रेंट, तो मैं किसी के बॉयफ्रेंड का इशू क्यों लिखूंगा? अच्छा, पीपल आर सेइंग दैट, हां पीपल आर सेइंग दैट, ओके. सो जो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग क्या अंजलि से मिले थे? अंजलि से मैंने कभी नहीं मिला, नीलेश से मिले थे. नीलेश से मिला था 4-5 बार हमारी चाय की टपरी पे. एक्चुअली क्या है, हम जब चाहते थे वो मिल ही जाते थे कहीं ना कहीं. जैसे अभी फ्रेंड सर्कल है, अभी दोस्त वगैरह, मैं उनको बाय नंबर बाय, उनकी आइडेंटिटी मेरे पास नहीं है. वहाँ मुझे उस दिन नेम भी उनका उसी दिन पता चला, उनका नेम नीलेश है. ओके ओके जी. मुझे ये, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था, बस हमारी ऐसे हेलो हाय भाई कैसे हो, ऐसे मतलब कि अच्छी बात होती थी. हम चाय की टपरी में जाते थे, खाते पीते थे, है ना, तो वहीं पे बात होती थी. अच्छा, मतलब कि हंसी मजाक करते थे. हाँ भाई, तो क्या है कि हब में रहने से लोग अकेलापन फील नहीं करता, कहीं भी बैठ जाओ तो ऐसा लगे, ऐसा लगता है भी हाँ अपनापन माहौल आता है भाई, तुरंत आ जाता है. ये तो देखा है मैंने भी. मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप डेली लेवल पे कैसे टाइम मैनेज करते हो, मतलब कि आपका शेड्यूल क्या रहता है? शेड्यूल जैसे मैम ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, मतलब कि नीचे से, मतलब कि ग्राउंड, मतलब कि वेरी डीप में कोई. जैसे मैं रात में स्टडी करनी प्रेफर करता हूँ, सो मैं सोता हूँ सुबह 5-6 बजे एवरेज. सो मैं 5-6 बजे सोता हूँ और उठता हूँ मैं 2:30-3 बजे दोपहर में. और मैं सोता भी ऐसे हूँ भी, अगर एसी चल गया मेरा तो मैं 8 से 9-10 घंटे तक सोता हूँ. अगर मैं इसीलिए एसी बंद करके सोता हूँ, इतनी गर्मी में एसी बंद करके सोता हूँ, एसी बंद करके सोता हूँ, पसीना जितना आ रहा है आने दो, सब सोना है तो 6 से 8 घंटे के बीच में ही सोना है, तो सिर्फ इतना ही सोना है मुझे, है ना. हाँ, तो उसके बाद मैं उठता हूँ, उसके बाद ब्रश वगैरह करता हूँ, फ्रेश अप एंड बात. उसके बाद मेड आती है सुबह, हमारी हमने मेड लगा रखी है, वो सुबह 10 बजे खाना बना के दिखाई जाएगी. और मैं अपना खाना सुबह 10 बजे, मेरे सारे फ्लैटमेट सुबह खाएंगे खाना, और मैं वो खाना खाऊंगा दोपहर शाम के 4 बजे. अच्छा, सेक्रीफाइस देख रहे हो, मतलब कि रात में पढ़ने का भी भूख लगती है और घर से एक्स्ट्रा पेमेंट मंगवानी पड़ती है मुझे अपने खर्चे के लिए, है ना जी. या. और उसके बाद जैसे मैंने एक आधा लेक्चर सुनूंगा मैं, बिकॉज मैं अभी कोचिंग मोस्टली बीच में बंद हो गई थी, अभी ये रिसेंटली 5-6 दिन पहले स्टार्ट हुई है, 1 सितंबर से स्टार्ट हुई है कोचिंग. पहले कोचिंग्स बंद हो रखी थी, आपको ही पता है. हाँ, उसके बाद स्टार्ट हुई एंड एक ही कोचिंग चल रही थी दृष्टि, वो तो कोई चल नहीं रही थी. तो उसके बाद मैं वो जाता नहीं कोचिंग, बिकॉज उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग भेज रखी है. हाँ. पूरी रिकॉर्डिंग, ये 2 सितंबर को उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग्स भेज दी, रिकॉर्डेड सेक्शंस, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सबकी, आर्ट एंड कल्चर, सबकी उन्होंने भेज दी है रिकॉर्डिंग. 33-33 क्लास है, तुम देखो घर पे बैठ के आराम से. और मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है. या. जब आपके पास टाइम है तब देख लो आप. तो मैं एक लेक्चर देखता हूँ वो, उसके बाद टाइम हो जाता है यही करीब 5-7:30 का. उसके बाद मैं जाता हूँ, निकलता हूँ अपने घर से, फिर मैं जाता हूँ बगचौदी काटने दोस्तों के साथ, कभी ओ आर एन, कभी सूरज भाई के रूम पे, कभी रवि राय भाई के रूम पे, कभी पीजी, ओल्ड पीजी में. मना नहीं करता मुझे कोई जाने में. हाँ, मैं सबके साथ ऐसा बना रखा है भी. हाँ, तो हम वहाँ से वापस आते हैं हम 9:30-10 बजे तक आराम से बगचौदी काट के. उसके बाद डिनर बन रखा होगा वो खाएंगे, उसके बाद फिर से अपने रूम्स वालों के साथ, रूम जो रूम फ्लैट में रह रहे हैं, फ्लैटमेट्स के साथ बैठूंगा, बातें वगैरह करेंगे, कुछ इंटरनल बातें, बकचोदी काटेंगे. उसके बाद फिर मैं लगता हूँ 12 बजे, 12:30-11:10 ऐसे लगता हूँ मैं, मतलब कभी 10-15 मिनट बैठ के, कभी घंटा भी बैठ लेते हैं, नॉट फिक्स. उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, कभी कुछ पढ़ता हूँ, कभी कुछ पढ़ता हूँ, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, दे एवरी वन हैज़ इट्स ओन शेड्यूल. इस दिन या ये करना, इस दिन मंडे को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ट्यूसडे को पॉलिटी पढ़नी है, देन आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, देन मेडिवल पढ़नी है, ऐसे. तो मैं ऐसे रखता हूँ. तो मैं फिर शाम से लेकर, रात से लेकर 12 बजे, 12-1-2 जितने बजे स्टार्ट करता हूँ, मैं टोटल 6 घंटे की सिटिंग लेता हूँ डायरेक्ट रात को. हाँ, डायरेक्ट रात को लेते हैं. और रात को भूख भी लग जाती है, फिर खुद ही कुक करता हूँ फिर मैं. माय गॉड, सही है यार. जैसे हेल्दी खाने के लिए मैं जैसे 2 टाइम की मील लेता हूँ दिन में, या इसीलिए वो दुगले पगले हो रखे हैं. हाँ, तो मैं सिर्फ 1-2 बार की मील, कई बार तो मैं वो भी नहीं लेता. जैसे आज हूँ मैं, फर्स्टली मुझे थोड़ी सी एक काम था दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, मैं नॉर्थ कैंपस गया डायरेक्ट यहाँ पे आया. तो उसके बाद अभी मेरा भूख लग रही थी, अब नहीं लग रही, अब मे भी मैं खाऊं नहीं, अब मैं शाम को रात को ही खाऊंगा डायरेक्ट. तो इसके लिए क्या होता है, पूरा प्रोटीन बॉडी में, जो प्रोटीन है वो भी पूरा होना चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ फिर, रात को 1 अंडा लेता हूँ,
उसका ऑमलेट बनाता हूँ, उसके बाद बंस ला रखा हूँ मैं, बर्गर बंस, उसके बीच में देसी घी लगा के घर का, उसके बाद बीच में सारा बना के फिर उसको कुक करके अच्छे से फिर केला बैठ के खाता हूँ। वो बाकी सारे सो रखे होते हैं तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, भाई तुम उठ के बना दो या तुम उठ, तो कई बार मैं बाहर से ही मंगा लेता हूँ। तो इसलिए मेरा अगर जो रहा बंदा रात को जाग रहा है ऑब्वियसली यार उसका खर्चा ज़्यादा होगा यार। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं उनका 5 से 6 हज़ार होता है मंथली ओन खर्चा खाने में और खुद का खाने में, मतलब कि मेड के मेड से बाहर, और मेरा मेड से बाहर होता है 8 से 10 हज़ार रुपये। फिर रात को अगर बंदा जाग रहा है भूख तो लगेगी यार, 24 घंटे में से अगर बंदा यही 16 से 17 घंटे जाग रहा है ऑब्वियसली बात है भैया भूख तो लगेगी ना यार। अगर अब बंदा एक टाइम की मील या दो टाइम की मील लेता है तो वैसी मील भी नहीं ले पाता जैसी बंदा मील घर पे लेता है, तो लग्जरी नहीं है यहाँ। लग्जरी घर वाली जितना मेरे घर में वॉशरूम है ना उतना यहाँ पे मेरा बेडरूम है। बेडरूम है यार। ब्रो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी यू आर स्टूडेंट रहे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना जो अभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है, बीजेपी जो भी पार्टीज है, राइट? तो मैं आपसे आपकी आइडियोलॉजी जानना चाहूँगा कि जब इलेक्शन के टाइम में व्हाट इज योर एज राइट नाउ? आई एम 19 ईयर ओल्ड। 19 ईयर ओल्ड। सो हैव यू नॉट वोटेड एनी टाइम? नो। राइट, असेंबली असेंबली नहीं वोट किया? नहीं। 19 ईयर ओल्ड ओनली। हाँ तो ब्रदर अब मैं आपका माइंडसेट जानना चाहूँगा कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड हो, मतलब किस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हो, मीन्स प्लीज़ आप शेयर करो। मैं उस आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हूँ जो वो भगत सिंह फॉलो करते थे। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी? कम्युनिज्म। ओके। एंड इवन की माई फैमिली ऑल्सो सपोर्ट टू कम्युनिज्म। सो वाई आई गो अदर टू अदर पार्टी? वाई आई गो टू RSS, IB, ABVP, NSUI, कांग्रेस? वाई? अच्छा अच्छा, योर फैमिली ओनली सपोर्टिंग? माई फैमिली सपोर्टेड टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPA, एंड आई ऑल्सो। अच्छा, सो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि वाई यू मतलब कम्युनिज्म आपको क्यों पसंद है? कम्युनिज्म मुझे मतलब कि वैसे मुझे अच्छा लगता है कम्युनिज्म भी, इसमें जो बात होती है वो समाज को सुधारने की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है। और अगर देश को डेवलप्ड बनाना है तो किसी एक आइडियोलॉजी को तो आगे आना पड़ेगा ना। जैसे हमने BJP को भी मौका दे दिया, देख लिया समाज अभी तक, हाँ BJP को मौका दिया, हमारा जो इन्वायरमेंट है, समाज है, सोसाइटी है, वो डेवलप्ड हुई अभी भी, बट अंडर डेवलपिंग है। या यू राइट। तो हमने कांग्रेस को भी मौका दिया, कांग्रेस ने भी कुछ खास खास किया बट उतना खास नहीं किया जितना BJP ने किया। अच्छा। हाँ, BJP ने कुछ काम ऐसे किया जो अच्छे हैं, बट कुछ काम जैसे ये फार्मर प्रोटेस्ट था, 3 लॉस बिल्स थे, वो मतलब कि BJP को नहीं करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है अगर हमने ऑलरेडी 2 को दे दिया है चांस, तो एक बार कम्युनिस्ट को दे के देखो ना, है ना। इवन इन साउथ कम्युनिस्ट है, केरला कम्युनिज्म पार्टी है पूरी, इवन की देर आर 7-8 स्टेट जहाँ पे कम्युनिज्म है, वहाँ पे अच्छी कम्युनिज्म, मतलब कि वहाँ पे जो पहले के हालात और आज के हालात में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना? मैं खुद मानता हूँ बिकॉज मैं वहाँ पे हो के आ चुका हूँ। अच्छा अच्छा। मैं देख के आ चुका हूँ। आप केरला गए थे? मैं और जो फ्रेंड है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो मैं गया था बाद, मतलब कि अच्छे से घूम फिर के आए हम। हाँ, आंध्र प्रदेश तक मैं भी गया हूँ, या मुंबई भी गया हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि हिस्ट्री में ऐसा कौन सा जो पार्टी आफ्टर पार्टीशन 19 के बाद, नहीं आफ्टर 1901 से 1947 के बीच में, ऐसे दो पर्सनालिटी का नाम बताइए मुझे जिससे आप काफ़ी इंस्पायर्ड होते हो, मतलब जो मतलब जिससे आप काफ़ी इन्फ्लुएंस हो। मेनली भगत सिंह। भगत सिंह, ओके, फर्स्ट पर्सनालिटी। एंड सेकंड वन कोई? लाजपत राय। लाजपत राय, वाह, सेम सेम। ग्रैंडफादर ऑफ 1929 लॉ। यस। एंड इवन की आई एम आल्सो फ्रॉम AISF, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, स्टेट मेंबर। स्टेट मेंबर ऑफ व्हिच स्टेट? दिल्ली स्टेट। स्टेट मेंबर ऑफ दिल्ली। दिल्ली है। हां, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। अच्छा। दिविंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा। एंड उसमें सबसे पहले, सबसे इंडिया, भारत की सबसे पहली जो स्टूडेंट यूनियन बनी थी वो 1936 में बनी थी, जो कम्युनिस्ट के थ्रू बनी थी, जो भगत सिंह जी ने बनाई थी 1936 में, ये बनी थी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। उसके बाद सारी NSUI, ABVP बनी है, सबसे पहले एक ही थी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। मनमोहित ब्रो,
जैसे आप ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर हो जी, तो ये कौन सी ईयर में? 12 अगस्त 1936 लखनऊ वेस्टर्न प्रोविंस, ये सब के साथ यहीं पे बनी थी, इनसे साथ मीटिंग यही इस यही एरिया में ये फाउंड हुई थी सबसे पहले, है ना। प्रेजेंटली इसका जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इंडिया प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट वो है विराज, एंड जो जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो है दिनेश। दिनेश राइट जी। तो इसका मेन हेडक्वार्टर का है? मेन हेडक्वार्टर आसफ अली रोड, दिल्ली में ही है राइट जी। इंडिया में डोमिनेंट पार्टी तो है नहीं कम्युनिज्म वाला जो? मैं बात करना चाहूँगा उस टाइम पीरियड की जिस टाइम पीरियड में यूएसएसआर हुआ करता था। या आपने देखा होगा वो सोवियत यूनियन थी, या मतलब कि 15 देशों का एक संगठन, यस उसमें डोमिनेंस किसकी थी? इवन कि आज भी डोमिनेंस वहाँ पे इसी की है, इसी की, ये कम्युनिस्ट ही चल रहा है वहाँ पे भी। या लेनिन इज ऑल्सो फ्रॉम, ये पुतिन इज ऑल्सो फ्रॉम कम्युनिस्ट से ये इन्फ्लुएंस्ड है, वो कम्युनिस्ट के कम्युनिज्म के थ्रू ही काम करता है वो। एंड कार्ल मार्क्स ये सब, ये सबसे पहले जो वर्ल्ड वाइड सबसे पहला जो देश बना था क्यूबा, क्यूबा फर्स्टली बना था कम्युनिज्म में, जो पहला देश बना जो टोटली कम्युनिज्म में बना था, टोटली उसका जो प्रेसिडेंट, इवन कि अब तक भी वो कम्युनिज्म ही फॉलो कर रहा है। यूएसए काफ़ी हेट करती है उसका, यूएसए से काफ़ी हेट करती है, बट ये जो आपने दैट टाइम पीरियड पे ये कोल्ड वॉर की इरा के टाइम पीरियड में ये हो गए थे दोनों आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो काफ़ी हो गया था चुनौती वाला दोनों के लिए। वो क्यूबा में उसने मिलिट्री बेस बना दिया यूएसएसआर ने, यूनाइटेड किंगडम खत्म, ये तो वो उनकी मतलब थोड़ा सा डर हो गया था यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूक्लियर वार ना, ये दिखाने मतलब कि उस टाइम पे दो सुपर पावर थी। हाँ, दो सुपर पावर 1991 के बाद ये कोलैप्स हो गई यूएसएसआर। अगर ये कोलैप्स नहीं होती आई एम डैम श्योर आज कम्युनिज्म होती इंडिया में, डैम श्योर। अच्छा, इसलिए आपको डोमिनेंट नहीं लगता रहा? हाँ, इसलिए मुझे वही लगता है ना, अगर वो चीज़ गलत हुई तो ऐसे, बट हिस्ट्री में जो भी चीज़ें होती है वो सही होती है। जो भी अकॉर्डिंग टू माई जो भी चीज़ होती है, जो भी हुआ है होएगा, हुआ था सही हो, अच्छे के लिए होता है। तो आपको क्या लगता है इंडिया का, इंडिया में आप क्या देखते हो फ्यूचर कम्युनिज्म का? आएगी, आएगी डेफिनेटली। मतलब क्यों आएगी, मतलब ऐसे क्यों लग रहा है आपको? ऐसे लग रहा है बिकॉज कैप्चर धीरे धीरे हम देर से आएंगे, ऐसे बन के आएंगे भी इंडिया को आगे ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। सो गाइस, ऑन पापा सॉरी वी विल डू रैपिड फायर राउंड विथ आवर गेस्ट। तो ब्रदर वेलकम ऑन रैपिड फायर राउंड ऑन पापा सॉरी। थैंक यू। ओके, तो ब्रदर जैसे मैं आपसे पहले क्वेश्चन रैपिड फायर का ये पूछूंगा कि आप कौन से ईयर में आए थे दिल्ली? 2024 में आए थे राइट। तो आप जब दिल्ली में आए तो यूपीएससी हब में आप कब आए, कौन से मंथ में? अप्रैल में आए। तो जी, तो कोचिंग में आप फर्स्ट टाइम कोई फीमेल पर्सन का नाम बताओ जिससे आपने इंटरेक्ट किया था। अलीशा। व्हाट? अलीशा। अलीशा, ओके। सो एंड इन मेल फर्स्ट पर्सन यू? आदर्श। आदर्श, हाँ ओके। मनमोहित ब्रो जी, जैसे मैं आपका यूपीएससी सर्कल का कोई बेस्ट फ्रेंड है आपका, उसका नाम बता सकते हैं? सर्कल के बेस्ट फ्रेंड इतने हैं भाई, यूपीएससी के हाँ, तो एटलीस्ट एक नाम बताइए। मंथन है? मंथन सोइया। मंथन, हाँ। तो ये तो मेल में हो गया बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड मोस्ट प्रोबेबली अभी कीर्ति है क्या? कीर्ति और एंड अलग एक दो गर्ल्स हो रहे हैं, जस्ट फ्रेंड्स हैं। okay. उनके साथ डिस्कस, मतलब कि अगर कभी पर्सनली कॉल करके नहीं पूछा कभी कुछ चीज़, यानी कि यार रैंडमली कभी मिलते हैं तो हेलो हाय करते हैं, है ना। यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान फ्रेंड्स का कितना रोल रहता है, मतलब ये बताइए मुझे। अगर आप घर से बाहर हो हाँ, तो फ्रेंड्स का रोल मेरे पर्सनली मानना ये बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है रोल। क्योंकि इस ये ऐसा प्रिपरेशन है, ऐसा एग्ज़ाम है जिस जो आपको डिप्रेस्ड पूरा डिप्रेशन से भर देगा। अच्छा, पूरा नर्वस स्ट्रेस, पूरा डिप्रेशन, फुल स्ट्रेस एंजाइटी डेली लेवल पे, डेली लेवल पे बहुत हाई पीक पे। मतलब कि आप ऐसे भी इतना लेवल से एक चीज़ आपको अगर एक टॉपिक नहीं हो रहा ना तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो मेरा मानना ये इसमें फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। जब आपको कोई चीज़ नहीं हो रही ना तो आप हट जाओ, छोड़ दो एक बार उसको, आधा एक घंटा घूम के आओ, है ना, उसके बाद आके देखो, है ना। अगर फिर भी नहीं हो रहा कोई और ऑप्शन देखो,
देयर आर सेवरल ऑप्शंस ना. या या तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करने के लिए आप पर्सनल लाइफ में क्या करते हो, मतलब कि भी मैं तो हिंदी में एक शब्द है बकचोदी. बकचोदी करते हो अपने मंथन भाई के साथ, रितीश और ये सारे दरवेश वगैरह थे हम सब. और क्या एक ये ग्रुप है मेरा और एक दूसरा ग्रुप है किशन सूरज भाई एंड कौशिक भाई इनके साथ. और एक और ग्रुप है रवि भाई ये आनंद भाई राम भाई इनके साथ. ये बकचोदी करते हैं फिर हम. अच्छा स्ट्रेस का आधा एक दो घंटे में डेली जाता हूँ. कभी जाता हूँ दूसरे ग्रुप के पास, कभी जाता हूँ तीसरे के पास, कभी ये पहले के पास. मतलब कि दो घंटा मेरा फिक्स है. So मुझे जाना है बकचोदी के लिए. गुड क्या गुड से भी गुड एक्सीलेंट उसने मुझे बोला था. वो चंडीगढ़ में प्रेजेंटली चंडीगढ़ में वो गन शूटिंग कर रहे हैं. हाँ. नेशनल लेवल पे वो गन शूटिंग का गोल्ड मेडलिस्ट है. या, या. तो उसने मुझे बोला था मम्मा को दीदी ये वहीं रुक नहीं पाएगा. तो मुझे पर्सनली घर की याद नहीं आती. अगर मैं घर जाता हूँ तो मेरा यहाँ आने का मन करता है. अच्छा शुरू में स्टार्टिंग में बोला स्टार्टिंग में से ही मैं घर नहीं गया, जाने का मन ही नहीं कर रहा. स्टार्टिंग से मैं जिस पीजी में गया हूँ मुझे दोस्ती सर्कल ही वैसा मिला है जिनसे मैं हाँ भाई बकचोदी ऑन दी टॉप रहनी चाहिए, भाईचारा ऑन टॉप जैसे कहते हैं ना, भाईचारा ऑन टॉप रहना चाहिए. या, या, तो वैसे ही है ना आपका भाईचारा बहुत अच्छा है. मैं कोई वैसे कोई बैड बंदा नहीं है हमारे ग्रुप में. तो आप योगा योगा करते हो या कुछ मतलब योगा भाई योगा एक्सरसाइज करते हैं. अरे यार फोर्थ फ्लोर पे है जिम जाते हो बात फोर्थ फ्लोर पे है फ्लैट और डेली जा तो डेली यूनिवर्सिटी या दो घंटे रात को बकचोदी करने हो आ रहे हैं. हाँ. तो चलते चलते ही उतनी एक्सरसाइज हो जाती है, एक्सरसाइज करने का टाइम ना मिलता. तो जिम वगैरह कोई वैसे ज्वाइन नहीं कर रखा. कर नहीं रखा आपने. वैसे अगर किसी दिन मन हो तो मेरा एक फ्लैट मेट है मेरा भाई है वो भी पंजाब से ही है. या. तो वो उसने ज्वाइन कर रखी है रितीश है उसका नाम. तो उसके साथ में चल जाता हूँ कई बार जिम. ओके ऐसे ही. तो स्टडी करते हो तो आपके रूम में करते हो कि लाइब्रेरी में? रूम पे. आप रूम में करते हो राइट. मेरा एक खुद का पर्सनल रूम है. हाँ. पर्सनल का टेबल है. तो मैं अपने रूम पे कर्ल मार्क्स जी की फोटो लगा रखी है और भी मैंने विभिन्न 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 प्रकार की कोटेशंस लगा रखी है जिनको देख के मुझे मोटिवेट होता हूँ मैं और मेरा ज़्यादा पढ़ने का मन करता है. अच्छा जी. तो ब्रो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप डेटिंग ऐप यूज़ करते हो? डेटिंग ऐप? नो ब्रो. नो नो नेवर इन माय लाइफ नॉट यूज्ड राइट. So, कि आपके हाउस पार्टी में कितने मेंबर को आप बुलाना चाहोगे हाउस पार्टी के लिए घर में जिसे आप ऑर्गेनाइज करते हो अभी बर्थडे? मैक्स टू मैक्स फाइव. फाइव इन माय फ्लैट. इन योर फ्लैट. सो फाइव टू सिक्स हो सकते हैं जैसे तीन मेरे ऑलरेडी हैं. हाँ. और कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो लेफ्ट कर चुके हैं ORN को और वो अपने घर जा चुके हैं. अगर उनका पॉसिबल हुआ तो स्ट्रेंथ बढ़ भी सकती है, 10 तक भी जा सकती है. अगर नहीं तो सिर्फ 6 टू 7 जिसमें मेरे तीन दोस्त वो आएंगे. बिकॉज मेरे दोस्त भी ऐसे हैं ना अलग अलग पार्टी से हैं. अच्छा अच्छा. एंड बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हैं अलग अलग पार्टीज में जैसे BJP कांग्रेस इन पार्टी से हैं और अच्छी वेरी अच्छी पोस्ट पे हैं. पोस्ट कायम कर रखी है उन्होंने. तो मैं अब कभी भी अपनी लाइफ एज वालों के साथ बैठा ही नहीं. अच्छा अच्छा. वो जो है 28 26 ऐसी एज वालों के साथ बैठा हूँ और फैकल्टीज़ के साथ बैठा हूँ. फैकल्टीज मेरे घर पे आते हैं. अच्छा अच्छा. यस तो वही है ना मैं सिर्फ 6 से 7 जिसमें आएगा शिवेश कौशिक. हाँ. किशन. या. सूरज भाई मंथन रितीश एंड संचित सिर्फ एंड रवि भाई हाउस पार्टी के. रवि भाई हाँ हाउस पार्टी के. अच्छा अच्छा. 6 लोग मतलब आप जब भी मन करे कि बकचोदी करना हो तो हाँ अगर घर पे बकचोदी करना तो ये 6 से 7 बंदे चाहिए बकचोदी करने. क्या बकचोदी हमारी एक पर्टिकुलर पे उस पर नहीं कर चलती ना बकचोदी बकचोदी. हम बकचोदी में वो भी करने लग जाते हैं रिलीजियस बातें करने लग जाते हैं बकचोदी में. रिलीजियस डिबेट बकचोदी में पॉलिटिकल साइंस आ रहा है और वो आ रहा है 1707 से लेकर 1800 तक का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम बकचोदी में. है ना ऐसे होता है हमारे में. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ अगर कोई गुस्सा करे तो उसको भगा भी देते हैं कमरे से बाहर. चल निकल मतलब सीरियस नहीं होना इधर भी. सीरियस वैसा मतलब कि ऐसा सीरियस नहीं. अरे यार ये वो भाई हाँ बकचोदी बकना इसलिए एंजॉय दैट सर. ने देखा होगा कि 12th फेल एक वेब सीरीज आई है. बिल्कुल देखी. और एस्पिरेंट 1 एंड एस्पिरेंट 2 अनअकैडमी. हां देखा होगा. बिल्कुल देखी. तो ब्रदर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि UPSC के लिए वो जो वेब सीरीज को देख के लोग क्या इंस्पायर हो रहे हैं कि UPSC? इंस्पायर हो तो मैंने एस्पिरेंट्स मूवी जो वेब सीरीज है YouTube पे अवेलेबल है वो मैंने देखी है सिर्फ
एक आधी बार देखी है, बट ट्वेल्थ फेल मैंने 5 से 6 बार देखी है। आपने 5 से 6 बार देखी? ट्वेल्थ फेल देखी है मैंने 5-6 बार। तो आप मुझे ये बताओ कि उस आपको क्या समझ में आ रहा है ट्वेल्थ फेल से? ट्वेल्थ फेल से ये समझ तीन लर्निंग्स बताओ उस वेब से। बताता हूँ उससे। सबसे पहला लर्निंग उसकी ये है, अगर तुम किसी चीज़ का कुछ करने का ठान लेते हो ना, तो तुम्हारे सामने आसपास चाहे गलत हो रहा है, वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं लोग, तुम्हें सिर्फ जाना है तो तुम जाओगे, वो करना है तुम्हें बस, सिंपल। जैसे ट्वेल्थ फेल में पहले बार वो मनोज कुमार जी हमारे फेल हो जाते हैं, हाँ। चीटिंग नहीं चलती सर आते हैं, DSP आते हैं, उन्होंने चीटिंग नहीं चलने देते, वो फेल हो जाता है। उसके बाद वो चलाते हैं कार्ट, वो 12th क्लास में वो फेल हो जाता है। हाँ, 12th क्लास में वो फेल हो जाता है। मेरा मानना ये है उसकी लर्निंग्स, सबसे पहले जो वो फेल हुआ वो उसका मेजर टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। उस मनोज कुमार जी की लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट वो था जब वो 12th क्लास में फेल हुआ, जब चीटिंग नहीं चली। ओके। उसके बाद उसकी सेकंड लाइफ का टर्न पॉइंट ये था जब ग्वालियर ग्वालियर में जब PCS का 5 साल के लिए बंद कर गया कर दिया गया था, और वो आया UPSC में। ये मुझे दूसरी लर्निंग है, वो लर्निंग भी हाँ भाई, अगर बंदे के ठान लिया ना करना है, उसके पास पैसा नहीं है, वो आ रहा है फिर भी रिक्वेस्ट करके, तो ऐसे अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना, तुम्हें अगर झुकना भी पड़े तो झुक जाओ। सेकेंड लर्निंग। और थर्ड लर्निंग, अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हो ना, ट्रूली मोहब्बत, जैसे मनोज कुमार शर्मा जी ने एक लड़की थी, आई थिंक उसका श्रद्धा से उन्होंने बोला अगर तुम बोल दोगी तो मैं दुनिया पलट दूंगा, हाँ। तो सेम उसने यस बोला, तो वो पन्ने ऐसे पलट रहा था मेंस में जैसे वाकई में दुनिया पलट रहा है वो। तो वही है ना, भी एक चीज होती है बैक सपोर्ट, जो तुम्हारे पीछे खड़ा रहे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भी हाँ तू पास हो फेल हो मुझे मतलब नहीं है, बस तू खड़ा रहे मैदान में, रहे फील्ड में, रहे अभी यस यू आर इन द ग्राउंड, आप ग्राउंड में हो। इतना इंस्पायर्ड हो कम्युनिज्म से, तो मैं आपके एक दो कोट जानना चाहूँगा कि जिस जो आपको इंस्पायर करती है। भगत सिंह के दो कोट्स मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, एक सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है, एक। दूसरा, वो मुझे मार सकते हैं बट मेरे विचारों को नहीं मार सकते, भगत सिंह जी का ये बहुत ही फेमस कोट है। मतलब आई थिंक भगत सिंह नोन बाय दिस कोट, आई थिंक बाय डिफॉल्ट अगर किसी ने बोल दिया तो मतलब लोगों को पता लग जाता है कि दिस भगत सिंह से। सो ये दो कोट्स हैं जो मैं पर्सनली बहुत, अगर मैं कभी नहार रहा होता हूँ ना, मुझे भगत सिंह के बारे में कुछ याद आ गया ना, तो मैं यही गाना बोलता हूँ। एक मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है, बॉर्डर मूवी का बॉर्डर सॉन्ग, संदेश से आते हैं वो वाला, मैं वो भी बहुत सुनता हूँ। तो प्रखर आप कोई बुक्स बताओ जो आपने पढ़ी हो। व्हाट इज मार्क्सिज्म, अगर तुम्हें वर्ल्ड के बारे में अच्छे से जानना है, जैसे आप हमें अपने सिद्धांत का पता है, अपने उनका पता है भी हमें क्या करना है, हमारा देश मतलब कि किस उस वे में जा रहा है, तो हमने देख लिया है भारत में, तो हमने देख लिया दो पार्टी रूल कर रही हैं, कांग्रेस और BJP। तो अगर इससे हटके अभी अगर तुम्हें वर्ल्ड के बारे में जानना है ना, तो एक बार व्हाट इज मार्क्सिज्म पढ़ लो। व्हाट इज मार्क्सिज्म, रिटन बाय जे एन यू, साजिद भाई है हमारे, उन्होंने लिखी है, एंड बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें लेनिन और मार्क्स के आइडियोलॉजी के अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। यही झंडे वाला में मिलेगी, झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के पास है, PHB बुक्स, वहीं से ही अवेलेबल है, वहीं से आप खरीद सकते। तो ये तो एक किताब बताया आपने, दूसरा कोई किताब? दूसरा कोई किताब, भगत सिंह की बहुत सारी किताबें हैं भाई, जो मैंने पंजाबी में पढ़ी हैं अपने दादाजी की। अच्छा अच्छा जी। ओके। जैसे पंजाबी बोलते हैं यूनिवर्स को तारा मंडल, उसके बारे में मैं स्टडी कर चुका हूँ अपने दादाजी से, और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो उनसे मेरे दादाजी के थोड़े सीनियर हैं, मतलब कि एक पॉइंट ऊपर थे मेरे दादाजी से, तो उनसे मेरी डिबेट हुई थी, एंड इसी मुद्दे भी हुई थी, यूनिवर्स और ये पॉलिटिक्स के मुद्दे भी मेरी डिबेट हुई थी उनसे। अच्छा। और मैं जीता था उनसे उसमें डिबेट में। हाँ। सो मुझे ऐसा लगता है भी हाँ भी अगर हम इतनी कम एज में इतनी समझ रखते हैं, विचारधारा हमारी अच्छी है, अगर हम इस विचारधारा को आगे आने वाले 10-15 सालों में और अच्छे से कर सकते हैं और करेंगे, मैं ये आश्वासन लेता हूँ भी हम इससे भी आगे कुछ करेंगे। हम इलेक्शंस की बात नहीं कर रहे, इलेक्शन से हट के बात कर रहे हैं। या UPSC एस्पिरेंट को क्या UPSC की तैयारी के लिए UPSC हब में ORN या मुखर्जीनगर जैसे हब एरिया में आना जरूरी है क्या आपके हिसाब से? क्या लगता है? अगर आपको लगता है UPSC हलवा है, अच्छा, तो एक बार आ जाओ। अच्छा। स्ट्रेंथ देख लो,
इवन की सिर्फ यही तीन प्लेस। कंपटीशन देखना है तो आपको, कंपटीशन देखना है ना, अगर आपको सीरियसली में पढ़ाई करनी है ना, सीरियस वे में भी हम आपको निकालना है फर्स्ट सेकंड जो भी आपका टारगेट ईयर है भी, अगर फर्स्ट टाइम आपने घर पे दिया आपका नहीं निकला, सेकंड में आपको निकालना ही है डैम श्योर, तो आप एक बार आओ एक बार देख लो। इससे क्या हो जाता है बंदे को, ये होता है अगर मैं जैसे सो रहा हूँ, मुझे क्या पता भी आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आप क्या मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होगे, आप चाहे मैं 8 घंटे सो रहा हूँ, मुझे क्या पता आप 5 घंटे सो रहे हो, आप 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो मेरे से। तो इससे क्या होता है, ये तीन प्लेस हैं, पटेल नगर, करोल बाग, ORN और ये झंडे वाला मुखर्जी नगर। इसमें मुखर्जी नगर को छोड़ दी, झंडे वाले को छोड़ देना, पटेल नगर, ORN, करोल बाग में मोर देन 3 लाख स्टूडेंट्स हैं। कितने? मोर देन 3 लाख स्टूडेंट्स, यूपीएससी स्टूडेंट्स ओनली यूपीएससी। ओह माय गॉड, मोर देन 3 लाख है ना, मोर देन डेस्पिरेंट्स आर सो हायर। यस, सो अगर तुम्हें जानना है अच्छे से यूपीएससी क्या है तो एक बार ORN आइए, करोल बाग आइए। अगर आपको, आप पुअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, हाँ, तो कृपया एक बार मुखर्जी नगर विजिट कीजिए, चलेगा स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं। 4000 का रूम होता है वहाँ पे और 4000 के रूम में 10 बंदे रहते हैं, तुम जितना यार। तो अगर मुझे डैम श्योर है मुखर्जी नगर से हर ईयर 1 से 2 बच्चे यूपीएससी क्लियर करते हैं, और वही करते जो वो 10 बंदे 4000 के रूम में रहते हैं। तो ये मेरे तरफ से एक बार आपको आके देखना जरूर चाहिए भी, हाँ एक्चुअली में यूपीएससी क्या है। यूपीएससी अगर, हाँ, हर कोई बंदा ही इंस्पायर होके यूपीएससी करने लगे फिर तो देश में आईएएस आईपीएस भर जाए। जब ऐसे देश को ज़्यादा आईएएस आईपीएस नहीं चाहिए, 180 इज इनफ। अगर तुम, ये भी एक बात है, अगर 10 लाख स्टूडेंट में से 1000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है तो मेरी नज़र में वो 1000 के 1000 टॉपर हैं। यस यू राइट, बिकॉज इतने स्टूडेंट्स में से निकल के वो 1000 ही आगे आया, तो एक से लेके 100 तक के वो टॉपर नहीं, 1 से लेके 10 तक के टॉपर नहीं माने जाएंगे, एयर 1, 2, 3 ये नहीं, मेरे नज़र में वो सभी 1000 जो 1000 बन रहा है ना यूपीएससी कंडक्ट मेरे की निकाल रहा है, तो भाई लक तो ये निकलती नहीं है। पढ़ाई करनी पड़ी, लक का इस्तेमाल होता है, बस सारा थोड़ी है मैं पढ़ूंगा नहीं तो यूपीएससी क्लियर कैसे क्लियर हो जाएगी, सिंपल बात है। जैसे आपका यूट्यूब चैनल आप बनाओगे नहीं, कंटेंट नहीं बनाओगे तो आपका कैसे यूट्यूब कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली बात है अगर हम खुद थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएंगे, थोड़ा क्या पूरा ही लगाएंगे, तो 10-20% लक भी लगेगा। ऐसे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस से लक आता है। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है उस चीज़ को करने का, लक कहाँ से आएगा, आप करोगे कहाँ से। तो गाइज ऑन पापा सॉरी, हम लोग लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे अपने गेस्ट से। तो ब्रदर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट को कितना अटेम्प्ट देना चाहिए और कितने अटेम्प्ट के बाद उसको अल्टरनेटिव देखना चाहिए एज ए प्लान बी। तो आपको, आपके हिसाब से अभी क्या मतलब था एक्चुअली क्या है, मैंने अपना प्लान बी बना ही नहीं रखा, सिंपल, यू हैव नो प्लान बी। ओके, सो बट मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ। बोलो बोलो। बी अगर आप 2 से 3 अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं हो रहा, पहले अगर अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं हो रहा तो आप देखो आपकी गलती कहाँ रही। अगर आप उस गलती पे काम कर रहे हो, अगली बार अटेम्प्ट दे रहे हो वो गलती सुधर गई, कोई और गलती है तो आप उस पे काम करो। पहले आप अपनी गलती ढूंढो, आप गलती कर कहाँ रहे हो। अगर आपको गलती पता चल गई तो आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। जैसे प्रीलिम्स में है, प्रीलिम्स में आपका PYQs को आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि PYQs ही तो हैं जो यूपीएससी के पास इतना टाइम थोड़ी है भी हर बार बुक छांटेंगे नया बनाएंगे, सिर्फ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनकी वर्डिंग चेंज करते हैं, क्वेश्चन सेम रहता है, ऊपर नीचे कर देंगे, वर्डिंग चेंज कर देंगे, कभी इजी दे दी कभी टफ दे दी, ऐसे ही है। ये तो है नहीं जो यूपीएससी के एक्सपर्ट्स हैं पेपर बनाते वो बुक छांटेंगे, हाँ ये हाँ मॉडर्न हिस्ट्री में ये बना दो, हाँ ये औरंगजेब ये आया था इसकी 2 पॉलिसी हाँ ये बना दो, ऐसे थोड़ी रहेगा, एक ही क्वेश्चन बनेगा। ऐसा होता है 4 से 5 साल बाद क्वेश्चन चेंज होता है, तो आपको मैक्सिमम 2 से 3 साल के PYQs तो पढ़ने चाहिए। अगर आप 2 से 3 साल के नहीं पढ़ पा रहे तो 1 साल का तो मैक्सिमम आप पढ़ो ही पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे मैक्सिमम 1 साल का तो पढ़ो, और मिनिमम भी 1 साल का पढ़ो। अगर मैक्सिमम पढ़ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, नहीं तो मिनिमम तो 1 साल पढ़ो ही पढ़ो, PYQs तो करो अच्छे से। तो ब्रदर जैसा आप बता रहे हो कि 3 अटेम्प्ट के बाद अल्टरनेटिव देखना चाहिए। हाँ, तीन अटेम्प्ट के बाद अल्टरनेटिव देखना चाहिए, राइट। अगर आपको अपनी गलती का पता चल गया आप फिर भी नहीं निकाल पा रहे तो फिर आप 3 अटेम्प्ट का मतलब 4 साल हो गया, राइट। हाँ, 4 साल आप दो, 4 साल के बाद अगर आपका नहीं हो रहा तो आप, मैं पर्सनली ये मानता हूँ अगर मेरे से 4 साल में नहीं हुआ
पहले मेरा वैसे मेरी एम ये है मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है बिकॉज मैं 8th स्टैंडर्ड से प्रिपेयर कर रहा हूँ एनसीईआरटी वगैरह, तो मेरा मोटिव यही है मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। अगर मेरा मोस्ट प्रोबेबली नहीं निकलता तो मैं सेकंड अटेम्प्ट देख लूंगा, अगर सेकंड से भी ज्यादा मैं देखूंगा तो मुझे वो पर्सनली लगता है भी अगर मैं इतनी प्रिपेयर होकर इतना प्रिपेयर होकर नहीं निकाल पा रहा तो ये एग्जाम मेरे लिए बना ही नहीं है, सिंपल। तो फिर छोड़ दो एग्जाम को, स्ट्रेंथ भी मत बढ़ाओ, इंक्रीज करो स्टूडेंट्स की, अपना कोई और अल्टरनेटिव देखो। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप सिंपल बीए कर रहे हो ग्रेजुएशन में हो, कुछ स्टूडेंट्स ट्वेल्थ में मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं उनको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप बीए के साथ कुछ ऐसा कोर्स भी करो जो आपको यूपीएससी, अगर आपकी नहीं निकलती तो यूपीएससी के बाद आपको वो हेल्प करे। बट अगर आप यूपीएससी कोई कोर्स नहीं देख रहे हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग का होगा, हाँ कोई कोर्स ऐसा सीखो, कोई स्किल ऐसी सीखो जो आपको हाँ आने वाले टाइम में वो, अगर आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते तो आपको दूसरी साइड से बेनिफिट दे। हाँ अगर आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, जैसे फेसबुक एड सेटअप सीख रहे हो, इससे क्या होगा, आप अगर यूपीएससी क्लियर कर गए, बाई चांस सिचुएशन ऐसी आ गई भी आपके पास कोई एड सेटअप का नहीं मिला, सिचुएशन ही ऐसी आ गई आपके, तो आप खुद वो स्किल को वहाँ पे यूज कर सकते हो, इससे दो बेनिफिट्स होते हैं। समझ गया मैं। अगर यूपीएससी क्लियर नहीं हुई तो वो करोगे, मतलब कि आप अच्छे से सीखोगे, अगर यूपीएससी क्लियर होगी तो इसमें तो भी तो फायदा है, ये फायदा थोड़ी, ये नुकसान थोड़ी है इसका, तो यही चीज है, स्किल्स भी सीखो। और अगर एक चीज और, अगर आप कोई स्किल नहीं सीख रहे तो यूपीएससी को इतनी शिद्दत से पढ़ो, यूपीएससी अगर क्लियर फिर भी नहीं होती ना, आराम से जैसे अड्डा जैसे कोई बड़े चैनल्स हैं अन अकेडमी में, डायरेक्ट फैकल्टी बन सकते हो, ठीक है। तो मेरा पर्सनल मानना ये है भी अगर आप यूपीएससी के साथ स्किल, मेरा प्यार सब फर्स्ट प्रेफरेंस ये स्किल देखो, जैसे मैंने स्किल्स सीख रखी हैं दो तीन, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रखी है, एफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, मैं ये सब सीख रखा है मैंने, तो अगर आपको वो आप नहीं सीख रहे हो तो आप ऐसा कर लो, दूसरी साइड आप अच्छे से शिद्दत से पढ़ो अपनी बुक्स, आराम से नीचे बारीक तू बारीक पढ़ो, फैकल्टी बनो, दूसरों को सिखाओ, अगर आपका सिखाए एक भी स्टूडेंट बनेगा समझो आप बन गए, आपने यूपीएससी क्लियर कर दी, सिंपल। या वेरी गुड। तो ब्रदर आपने जो भी एक्सपीरियंसेस पापा सॉरी पे शेयर किया और स्पेशली रैपिड फायर के जितने भी आंसर आपने दिए वो मुझे काफ़ी ऑनेस्ट लगे, आपने कुछ भी नहीं छिपाया, तो मैं आपके आंसर से काफ़ी सेटिस्फाइड था। थैंक यू। तो ब्रदर मैं लास्ट में आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा दिल से फॉर कमिंग ऑन पापा सॉरी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, पापा सॉरी का पॉडकास्ट आपका कैसा रहा? मुझे ऐसा लगा मैं किसी भी चैनल पर पॉडकास्ट दे नहीं रहा, जस्ट मैं डिबेट कर रहा हूँ, है ना, मतलब एक्सपीरियंस वेल एंड गुड, एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस सही था आपका, बिल्कुल। आप और भी एस्पिरेंट को आने के लिए बोलोगे? बिल्कुल आए, मेरी तरफ से पापा सॉरी को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और बाकी अल्टरनेटिव को लेके वीडियो बनाता हूँ मैं, हाँ अल्टरनेटिव को लेके भाई वीडियो बनाते हैं, और भाई को मैं पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, पर्सनली मैं भाई को नहीं जानता, जनरली your experience was totally good, right? Good, totally excellent. Yeah, wow. Totally excellent. Thank you, brother. Thank you, brother, for giving the feedback. Yeah.